डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और इसको मैं एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको कोई भी डाउट जो है वो नहीं रहेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे एडिशन की, तो एडिशन तो आई थिंक आपको बड़ा ईजी लगता होगा, सिंपल सा फंडा है कि अगर हम 0+0 करते हैं तो 0, 0+1 करते हैं तो 1 आता है, 1+0 करोगे तब भी 1 ही आता है। मेन केस है यहाँ पे 1+1 का, तो 1+1 करते हैं तो एक तरह से होता है 2। 2 का मतलब क्या होता है यहाँ पे 1, 0, तो यानी 1+1 अगर आप करते हो तो रिजल्ट तो होता है 0, लेकिन 1 जो है वो यहाँ पे क्या आता है, कैरी आता है। तो इसीलिए इसको हम 1+1 को क्या करते हैं, 2, और 2 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1, 0, तो यानी ये तो मेरा रिजल्ट होता है और ये मेरा क्या होता है, कैरी होता है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे मैंने 0+0 करना है, आंसर क्या आएगा, 0, 1+0 करोगे तो 1 आएगा, 1+1 देखो 1+1 क्या हो गया, 2। अब 2 के केस में आपको पता क्या होता है, 2 मतलब डेसिमल वाला 2 नहीं है, तो वही डेसिमल वाला 2, लेकिन यहाँ पे 2 तो लिख नहीं सकते क्योंकि बाइनरी नंबर है, तो 2 को हम कैसे लिखते हैं, 1, 0, तो यानी 0 तो आपका रिजल्ट और कैरी ऊपर चढ़ा दो। अब देखो 1+1+1 नॉर्मली क्या होता है, 3, 3 को आप कैसे लिखते हो, 1, 1, यानी ये सेम आपका LSB आपका रिजल्ट और MSB आपका कैरी, तो यानी रिजल्ट आपका 1 और कैरी भी आपका 1, तो ये सिंपल सा आंसर है। आप इसको चेक भी कर सकते हो, क्रॉस चेक करना है तो 1110 क्या होता है आपका, 14 होता है, और ये क्या होता है आपका, 12, तो आंसर क्या आना चाहिए, 26। तो अगर आप ध्यान से देखो 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, ये इनकी पावर होती है, तो 2^4 क्या है, 1 है, तो यानी 16, ये क्या हो गया जी आपका 8, और ये यहाँ पे क्या हो गया, 2, तो ये देख लो जी आपका आंसर जो है वो 26 आ गया। ठीक है, ये सिंपल सा फंड है। अब हम आते हैं यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर, अगर यहाँ पे दिए हुए तो करना उसमें भी सेम ही है, हमेशा पीछे से स्टार्ट करो LSB से, 0+1 1 1+1 देखो क्या होता है, 2 में हम कैसे लिखते हैं, 1 0, 0 मतलब आपका रिजल्ट और 1 आपका कैरी, 1+1 0, ठीक है वही आपका 1 जो है वो यहाँ पे कैरी, 1+0 करोगे तो 1 ही आएगा, 1+0 करोगे 1 आएगा, 1+1 करोगे 0 और 1 आपका कैरी, 1+1+1 3 हो गया, 3 को हम कैसे लिखते हैं, 1 1, 1 1 आपका रिजल्ट और ये वाला 1 आपका कैरी, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डॉट यहाँ पे लगा दो। अब देखो जी अगर इसको क्रॉस चेक भी करना चाहते हो तो ये आपका क्या हो गया, ये तो आपका 14 ही है, और ये 1 1 0 यहाँ पे क्या हो गया, 1 1 0 अगर आप करोगे तो क्या होता है, 1/2 प्लस ये होता है 1/4, तो ये आपका क्या आ गया, 2+1 मतलब 3/4 आ गया, यानी 0.75 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, 12 पॉइंट, अगर आप इसको करोगे तो क्या आएगा, 3/7 आएगा, तो अगर आप इसको टोटल ऐड भी करते हो क्या हो गया जी 5, ये क्या हो गया 2, ये आपका जो है वो यहाँ पे 7 और 3 10 और 1 11, और यहाँ पे जो है वो आपका 27। लो जी ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका क्या आएगा, 27। आप चेक कर सकते हो भाई 2^0, 2^1, 2^3, 2^4, तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो 27 आ जाएगा, और ये देखो जी 0 0 1 क्या होता है, 0 0 1 अगर आप लिखोगे तो है 1/8 ही आएगा, क्योंकि 1/2 तो आपका 0 है, 1/4 1/8 क्या होता है आपका 0.125। क्रॉस चेक करना आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको सिंपल समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। मेन आता है जी आपका सब्ट्रैक्शन का, सब्ट्रैक्शन में स्टूडेंट उलझ जाते हैं कि पता नहीं कैसे करना है, कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम्पल से बताता हूं, देखो सिंपल सा फंड है, 0-0 का केस आपको पता है 0 है, 1-0 का केस आपको पता है 1 आएगा, 1-1 का केस आपको पता है 0 आएगा, ये 3 केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0-1 के केस में प्रॉब्लम आती है। अब 0-1 में हमेशा याद रखना, हमें 1 जो है वो बोरो लेना पड़ता है, हम 1 बोरो लेते हैं, तो 1 बोरो लेंगे, इसको हम 1 की पावर दे देंगे, 1 को एक तरह से 1 की इसकी पावर दे दी, पावर का मतलब इसको एक शक्ति दे दी, भैया तू ये ले 1, 1 जैसे ही आ गया ये क्या बन गया, अब 2 बन गया, 1 0 क्या होता है 2, 2-1 करोगे तो 1। हमेशा याद रखना जब भी 0-1 करते हैं तो 1, लेकिन 1 बोरो होता है तब जाके इसको पावर मिलती है। तो यहां पे देखो 0-1 नॉर्मल केस तो आप कर लोगे, मेन यही है 0-1। अब देखो इसको तो पावर चाहिए, पावर कहां से मिलेगी, इससे नेक्स्ट देखो कौन सा नंबर है, इससे नेक्स्ट है 1, तो इसकी पावर हम ले लेंगे, मतलब इसको तो कर दिया 0 और इसकी पावर हमने इसको दे दी, ये क्या बन गया एक तरह से 1 0, 1 0 क्या होता है 2, 2-1 करोगे तो 1 आएगा, और ये क्या बन गया था 0। अब देखो नीचे भी 0 है तो आपको इसको पावर देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नीचे 0 ही है, तो 0-0 तो आपका 0 आएगा, 1-1 आपका 0 आएगा, 1-0 आपका ये होगा। लो जी सिंपल सी कहानी है, ये क्या होता है जी आपका 14 होता है, ये आपका क्या होता है 5 होता है, तो आपका आंसर जो है वो आना चाहिए 9, तो लो जी आपका 9 ही तो आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं दूसरा केस, इसमें थोड़ा सा और वेरिएशन कर दी, कई बार ना एक दो आपको मिल जाएंगे एग्जांपल लेकिन सारी कहानी नहीं क्लियर होती, आपको इन चारों एग्जांपल से सारी कहानी क्लियर होगी। लो जी 0-1 इसको तो पावर चाहिए, तो नेक्स्ट पे गए, नेक्स्ट
वो भी जीरो है, तो भैया नेक्स्ट पावर कौन देगा, उससे नेक्स्ट पे गए। आप देखो जी, इसने अपनी पावर दे दी, इसने अपनी पावर दे दी, ये कहता ले लो वन, ले लो वन, इसने दे दिया और ये खुद जीरो हो गया। पहली बात ये लाइन ध्यान से सुनना, इसने अपनी पावर दे दी वन, ये खुद जीरो हो गया और इसने अपनी पावर क्या दी वन। अब ये वन जहां जहां पे जाएगा सबको पावर देता जाएगा, मतलब सबसे पहले इसको पावर देगा, जब इसको ये वन की पावर देगा तो ये क्या हो जाएगा वन जीरो, वन जीरो, पूरा पढ़ो इसको, ये क्या हो जाएगा वन जीरो। वन जीरो क्या होता है, टू, टू होता है ना, वन जीरो क्या होता है टू। अब टू में से एक तो ये ले लेगा पावर, मतलब टू किससे बना है, टू दो वन से बना है ना, तो एक वन तो ये पावर ले लेगा और एक वन ये पावर ले लेगा, मतलब ये तो आपका वन रह गया और ये जैसे ही इसने पावर ली वन तो ये क्या बन गया जी वन जीरो। वन जीरो क्या होता है, टू होता है, तो टू माइनस वन करोगे तो वन ही आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये वन जीरो मत कर देना, इसने खत्म होके इसने पावर सिर्फ वन, क्योंकि इसके पास टू आए थे लेकिन उसने एक वन आगे दे दिया तो इसके पास एक की पावर बची, तो वन माइनस जीरो करोगे तो क्या आएगा वन आएगा और ये क्या हो चुका है जी जीरो। अब इसको भी पावर चाहिए क्योंकि नीचे वन है, तो इसने अपनी पावर इसको दे दी, अब ये क्या हो गया वन जीरो। वन जीरो का मतलब क्या होता है, टू, टू माइनस वन करोगे तो वन होएगा और ये जीरो हो गया। लो जी खत्म। ये आपका क्या होता है, ट्वेल्व होता है, ये आपका क्या होता है जी फाइव होता है, माइनस करोगे तो सात आएगा, लो जी सात ही तो आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इस पे थोड़ा सा, मतलब हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो, इसको सबसे पहले एलएसबी से स्टार्ट करेंगे, पीछे से जीरो माइनस वन, लो जी इसको तो पावर चाहिए, ये बोलेगा मेरे को नेक्स्ट पावर दे, उसके पास भी नहीं है, वो बोलेगा नेक्स्ट, उसके पास भी नहीं है, वो बोलेगा ये लो जी यहां से पावर आएगी, सबको डिस्ट्रीब्यूट होगी सबको। सबसे पहले तो इसने अपनी पावर दे दी तो ये खुद बेचारा जीरो हो गया, इसने अपनी पावर दे दी। अब देखो सबको मिलेगी पावर, सबसे पहले इसको मिली, जैसे इसको मिली ये क्या बन गया वन जीरो बन गया, वन जीरो मतलब टू। अब टू में से इसने एक रख लिया और एक आगे वाले को दे दिया, दो बंदों की पावर मिली तो एक बंदे की पावर इसने खुद रख ली, एक आगे दे दी। अब इसको एक बंदे की पावर मिली, ये क्या बन गया जीरो मतलब टू, तो इसने भी एक बंदे की पावर रख ली, एक आगे दे दी, ये क्या हो गया जी वन। अब ये वन जीरो क्या हो गया टू, इसको आगे देने की जरूरत ही नहीं तो ये टू का टू ही रहेगा, तो टू माइनस वन, ये कितना है टू, टू माइनस वन करोगे तो वन आ गया, तो टू माइनस वन वन। अब ये क्या था जी, ऊपर देख लो, ये हटा दो बाकी का, ऊपर देखो इसके पास एक बंदे की पावर थी, एक आगे दे दी थी, तो वन माइनस जीरो करोगे तो वन, वन माइनस जीरो करोगे तो वन, ये तो बेचारा जीरो हो चुका है, लेकिन हमें इसको पावर देने की जरूरत नहीं क्योंकि नीचे जीरो ही है, तो जीरो माइनस जीरो आपका जीरो, वन माइनस वन आपका वन ही आ गया। तो ये क्या हो गया जी आपका जीरो, वन टू थ्री फोर, टू रेज टू पावर फोर प्लस टू रेज टू पावर थ्री, ये हो गया जी आपका 24 हो गया ना, और माइनस एक करोगे तो लो जी ये 23 आपका बन रहा है, इसको आप चेक कर सकते हो। लास्ट एक छोटा सा और एग्जांपल कर लेते हैं जी। अब सेम ही है भाई, आपको यहां से पावर, इसने इसको पावर देनी है तो खुद बेचारा जीरो हो गया, आगों को आगे वालों को पावर दे देगा, खुद जीरो हो गया आगे वालों को पावर। अब देखो जैसे इसने अपनी एक पावर इधर दी ये पावरफुल हो गया, ये वन जीरो मतलब टू हो गया। अब इसने टू में से एक पावर तो खुद के पास रख ली, दो मतलब दो बंदों की पावर है, एक बंदे की पावर तो इसने खुद के पास रख ली, एक आगे दे दी, जैसे ही एक आगे दी वो दो बंदों की पावर वाला हो गया। अब इसने जो है वो वैल्यू क्या होगी टू, लेकिन इसने एक पावर अपने पास रख ली, एक आगे दे दी, अब इसके पास भी दो लोगों की पावर होगी क्योंकि दो हो गया ना, वन जीरो मतलब टू, लेकिन इसको आगे देने की जरूरत ही नहीं तो ये टू का टू ही रहेगा, तो टू माइनस वन करोगे तो वन आएगा, वन माइनस वन करोगे तो जीरो आएगा, ये वन माइनस ये वन करोगे तो जीरो आएगा, ये जीरो माइनस वन। अब ऑब्वियसली इसको पावर देनी पड़ेगी, खुद जीरो हो जाएगा, इसको पावर दे देगा वन जीरो मतलब टू, तो टू माइनस वन करोगे तो वन, ये आपका जीरो। लो जी ये सिंपल सी कहानी है सब्ट्रैक्शन की, जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली इससे सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।